वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सभी लोग? सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार। जल्दी जल्दी सभी लोग ज्वाइन कर लो। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी लोग जाग जाओ, सो रहे हो तो उठ जाओ, क्योंकि पढ़ना अभी बाकी है। सुबह की एनर्जी के साथ एक नई एनर्जी, कहते हैं जब हम सुबह सोकर उठते हैं, जब हम पहली बार किताब ऐसे ओपन करते हैं सुबह सुबह करते ही, सो दिस इज आवर न्यू एनर्जी। ये हमारा क्या है, नई एनर्जी से हम उस चीज को पढ़ने जा रहे हैं। आप सुबह सुबह की पहली क्लास जब आप लेते हो तो आपके लिए वो एक नई एनर्जी के साथ होता है, और वो नई एनर्जी आपको वो सारी चीजें ला कर देता है। सुनने की कोशिश कीजिएगा, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, जैसे मॉर्निंग मॉर्निंग में मैं आपको पढ़ाता हूँ ये टॉपिक्स जो है, आप एक नई एनर्जी से पढ़ते हो और ये सारी नई एनर्जी आपको अट्रैक्ट करती है, और इसीलिए आपको सारी चीजें याद रहती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए सुबह 9:30 बजे वाली क्लास में सभी का आना अनिवार्य है। तो आओ भाई, चलो चलते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आलोक शाह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल दिस YouTube चैनल अनअकैडमी KDMPIXC। अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। वॉइस इज नॉट क्लियर, आवाज सही आ रही है क्या? आवाज सही आ रही है? यस और नो? वॉइस इज क्लियर, यस और नो कमेंट बॉक्स में लिख के दो। आवाज सही आ रही है? यस और नो? खुद चेक कर लो, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो वेलोसिटी दे दिया है, एक डिस्प्लेसमेंट टीवीसी के बीडीसी के बीच का पूरा डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। तुमको कुछ नहीं करने का, तुमको थीटा की वैल्यू रखना है और चेक करना है कि कितने पे होता है, ठीक है ना? तुम खुद चेक कर सकते हो बिल्कुल। वॉइस इज नॉट क्लियर, ओके जस्ट अ वेट गाइस, जस्ट अ वेट, मैं वॉइस पे कुछ करता हूँ, जस्ट अ वेट, मेरे को 30 सेकंड का समय दीजिए। Now voice is clear. अब बताइएगा, अब बताइए। Yes, I think सब कुछ क्लियर है, आप देखिए शायद आप जा रहा हो। चलिए, so clear,
क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन। सो माय डियर फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं डायनामिक एनालिसिस ऑफ सिंगल साइकिल ट्रांजिशन मैकेनिज्म की। एक बार आवाज जरा फ्रेश। चल जाएगा, चलो ठीक है। डायनामिक एनालिसिस, आप जैसा देख पा रहे होंगे, डायनामिक एनालिसिस की आज हम बात करने वाले हैं। डायनामिक एनालिसिस ऑफ सिंगल साइकिल ट्रांजिशन मैकेनिज्म। तो डायनामिक एनालिसिस ऑफ सिंगल स्लाइडर ट्रांजिशन मैकेनिज्म के अंदर हम क्या करेंगे, आपको कल मैंने आपको पढ़ा था काइनेमैटिक्स एनालिसिस, यस और नो? तो काइनेमैटिक्स के अंदर क्या बताया था, इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का हमने क्या बताया था आपको, मोशन दिखाया था। मोशन का मतलब हमने वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एनालिसिस किया था। आज हम बात करने वाले हैं डायनामिक्स एनालिसिस। गाइस, डायनामिक्स का मतलब क्या हो गया यहां? एनालिसिस का मतलब ये है कि आज हम जो कल पढ़े थे मोशन, उसके साथ साथ आज हम किसकी बात करने वाले हैं, कल हम काइनेमेटिक्स पढ़े थे। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑन योर मोशन बिना फोर्स को कंसीडर किए, फोर्स को कंसीडर नहीं करें। डायनामिक्स के अंदर जो कंसीडर होता है वो मोशन और फोर्स को कंसीडर करते हुए होता है। ध्यान रखिए, हमारा जो सिस्टम होता है एक्चुअली में डायनामिक सिस्टम होता है, काइनेमेटिक्स डायनामिक सिस्टम होता है, और डायनामिक्स के अंदर ही एक पार्ट होता है मोशन का, हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। ध्यान रखिएगा, हमारा सिस्टम जब रोटेट करता है तो इसके अंदर जो रियल सिस्टम होता है, जब रोटेट करता है ट्रेन, क्रैंकिंग और पिस्टन, जब ये सारी चीजें घूमती है, जब सारी चीजें मोशन में आती है, इनका एक वेलोसिटी होता है, एक एक्सेलरेशन होता है। बट ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन किसी ना किसी फोर्स के रिस्पेक्ट में होता है बेटा। पिस्टन अपने आप आगे पीछे नहीं होता, ध्यान रखिएगा, पिस्टन अपने आप आगे पीछे नहीं होता। यहाँ होने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। यहाँ इधर से एयर फ्यूल इंजेक्शन दिया जाता है, एयर फ्यूल आता है, यहाँ कम्बस्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती है। कम्बस्टन टेक्स प्लेस इन साइड द इंजन, दैट इज द आईसी इंजन, इंटरनल कम्बस्टन इंजन। तो आज इन सब चीजों पर बात करनी है। तो सिंगल स्लाइडर ट्रेंचर मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, आईसी इंजन। इस बात को ध्यान रखिएगा, और डायनामिक्स एनालिसिस के अंदर हम ये सारी बातें अपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के स्टार्ट करते हैं बेहतरीन टॉपिक को, डायनामिक्स एनालिसिस। मतलब आज मैं आपको बताऊंगा कि क्रैंक रोटेट हो रहा है तो किस फोर्स से, कनेक्टिंग रॉड के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, और पिस्टन के ऊपर क्या लग रहा है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, और आपका नेट फोर्स क्या है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट किया जाए, आगे बढ़ा जाए। तो हेलो एवरीवन, दिस इज आलोक शाह, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एक्सपर्ट इन गेट एंड ईएससी गाइस, एंड आज मैंने धनबाद से किया है, 4 times गेट टॉप रैंकर, और इसके साथ साथ 9 years टीचिंग एक्सपीरियंस, एंड सब्जेक्ट टेकन बाय मी इज द आर्ट एंड स्कूल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ALOKLIVE, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, 10% आपका ऑफ हो जाता है। बहुत सारे बच्चे लगा रहे हैं, आप भी लगा लो और फटाफट ज्वाइन करो। प्लस पे हमारा बैच चल रहा है, कल काइनेमैटिक्स पढ़ाया, इतना धुआंधार काइनेमैटिक्स पढ़ाया है, इतना धुआंधार काइनेमैटिक्स पढ़ाया ना, मजा आ गया। कल मैकेनिक्स के अंदर मैंने काइनेमैटिक्स पढ़ाया, ठीक है ना, प्लस की क्लास में इतना धुआंधार मजेदार पढ़ाया ना, मजा आ गया। ना अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर ज्वाइन करते हो तो अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लो, और फॉलो कर सकते हो academy.com/alokliv, या गूगल में जाकर आप लिख सकते हो। तो एक्सेस और लेक्चर गाइस, पासवर्ड इज alokliv।
सारे लेक्चर्स जो होंगे आप यहाँ से देख सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो लर्निंग को, और यू कैन सी दिस द पासवर्ड इज आल्सो। अच्छा, अनअकैडमी कॉम्पैक्ट का हिस्सा बन सकते हो, जिससे आपको मतलब फीस आप में ज्यादा छूट हो सकती है आपकी। एवरी संडे मॉर्निंग 11 AM, यू कैन सी दिस, एवरी संडे मॉर्निंग 11 AM आपको क्या है, लो क्लाइंट कोड लगाकर करेंगे। और दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल गाइस, अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन कर लिया तो कर लीजिए जल्दी जल्दी टेलीग्राम चैनल को। उड़ान का सीरीज हमारा चल रहा है, आपको पता था। और सोम की क्लास, यस सोम की क्लास आज नहीं होगी, कल होगी। कल मैं आपको दिखाऊंगा जिन और थी सिलेंडर का पार्ट 2। सोम की क्लास कल होगी, ध्यान रखिए। और हमारा रैंक अप टेस्ट भी चल रहा है। अभी कुछ बच्चे परेशान हो गए कि अभी क्यों नहीं चल रही स्पेशल क्लासेस, कल नहीं चली हैं और शायद आज भी नहीं चलेगी। स्पेशल क्लासेस स्टार्ट होंगी कल से होंगी, टेंशन मत लो, कल से सारी क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायनामिक्स एनालिसिस ऑफ सिंगल पैटर्न की। ठीक है, डायनामिक्स एनालिसिस, ठीक है। डायनामिक्स का मतलब क्या होता है? डायनामिक्स का मतलब ये हो गया कि हम यहाँ मोशन के साथ इसकी बात करेंगे, मोशन के साथ फोर्स की बात, मोशन के साथ किसकी बात करेंगे, मोशन के साथ हम फोर्स की भी बात करने वाले हैं। अच्छा, इसकी सब सिंगल स्लाइडर चेन मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म के अंदर हम फोर्स की बात करने, ध्यान रखिए। ठीक है, यू कैन सी दिस बेटा, पिस्टन आगे पीछे हो रहा है, अपने आप नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो हम उसी चीज की बात करने जा रहे हैं। जैसा आपको पता है सिलेंडर फिक्स होता है, पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग करता है, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक क्या करता है, रोटेट करता है। इसके बारे में कल मैंने आप लोगों को धुआंधार तरीके से पढ़ाया है और सारी चीजें बताई है, बोलो हाँ या ना, सारी चीजें बताई है। तो अब बारी आती है व्हाट इज डायनामिक्स एनालिसिस। डायनामिक्स एनालिसिस क्या होता है, आपको ये चीज बताने वाला हूँ। हमारा पिस्टन और सिलेंडर के बीच सुनने की कोशिश कीजिएगा, पिस्टन और सिलेंडर के बीच में जो मोशन होता है, ये मोशन होता है हमारा सिलेंडर है, बीच में यहाँ हमारे पिस्टन, यहाँ हमारे तेरे पिस्टन, ठीक है, ये सिलेंडर है और ये क्या हमारा पिस्टन। अब मैं क्या कहूँ बेटा, यहाँ से कनेक्टिंग रॉड आती है, सुनो मेरी बात, तो कहीं भी बात कर रहा हूँ मैं, कनेक्टिंग रॉड की बात करूंगा, पहले मैं पिस्टन की बात कर रहा हूँ, सिलेंडर हमारा फिक्स है। तो मेरे भाई क्वेश्चन ये है, व्हाट इज डायनामिक्स एनालिसिस, सर पिस्टन का मोशन किधर हो रहा है, मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, कौन सा मोशन, अरे पिस्टन की वेलोसिटी, पिस्टन का एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें। बट क्या आप जानते हो पिस्टन के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन जो आपको यहाँ घूमते हुए नजर आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस, वाई एक्सिस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के अंदर पिस्टन के ऊपर एक फोर्स लगता है। जैसे कि हम बात करेंगे अगर पिस्टन के ऊपर फोर्स, पिस्टन को रोकने वाले बहुत सारे फोर्स, ठीक ना, पिस्टन को रोकने वाले बहुत सारे, एक फोर्स हमारा ये है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स, एक फोर्स हमारा ये है जिसको हम कहते हैं कनेक्टिंग रॉड फोर्स, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस में बहुत सारे फोर्सेस हैं। आज हम इन्हीं सारे फोर्सेस की बात कर रहे हैं। डायनामिक्स कहता है कि मोशन तो आपके सिस्टम में हो ही रहा है, बट वो मोशन की बात बताओ तो विथ कंसीडरिंग फोर्स प्लस फोर्स की एनालिसिस। अब लोगों ने पूछा तो फोर्स की एनालिसिस क्यों कर रहे हो, ये ना ध्यान से, हाँ लोगों ने पूछा, तो लॉस ऑफ वॉइस प्रॉब्लम,
देखिए आ रही है क्या क्लियर? देखिए आप देखिए नहीं मैं बताइए मैंने वैसे स्ट्रॉन्ग कर रखा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ना, मोशन प्लस फोर्स, बात समझना। हम यहाँ बात करने वाले जो भी मोशन हो रहा है उसके साथ साथ हम फोर्स की एनालिसिस करने वाले हैं। ओके, फोर्स की एनालिसिस करने वाले हैं। चलो तो ये जो फोर्सेस लग रहे हैं हम इसकी बात करने वाले हैं। ये जो फोर्सेस लग रहे हैं हम इसकी बात करने वाले हैं। ये कौन कौन से फोर्सेस, हमें ये सारी चीजें समझना पड़ेगा। ये एफ एन क्या होता है, एफ सी क्या होता है, ये छोटी छोटी चीज। ये तो पिस्टन की बात हो गई भाई, कनेक्टिंग रॉड पे भी लगता है भाई, क्रैंक पे भी लगता है। ये सारी चीजें हमें आज समझनी है। तो व्हाट इज डायनामिक्स एनालिसिस? डायनामिक्स से मेनली मेनली डायनामिक्स से फोर्स। आज हम फोर्स के बारे में ज्यादातर पढ़ने वाले हैं, ठीक है? ठीक है, ये देखो क्लियर है, सेशन को लाइक दिए रहो। और क्या आप लोग तो 1 मिनट का पॉज ले सकते हो? मैं इस आवाज को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 मिनट का पॉज ले सकते हैं, 1 मिनट के लिए रुक सकते हैं। क्लियर? चलो तो डायनामिक्स एनालिसिस के हम लोग ये सारे अंदर फोर्सेस की बात करेंगे। ध्यान से, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, फॉर 1 मिनट। यस, नाउ वॉइस इज क्लियर, यस और नो? बताइए। वॉइस इज नॉट क्लियर। दीपक सर, प्रॉब्लम सही है ना? आवाज सही है ना? नीचे गाइस प्लीज, आवाज सही आ रही है? यस और नो? आवाज सही नहीं आ रही है। जस्ट अब सही आ रही है, देखो। यस, अब क्लियर आ रही होगी। सो गाइस प्लीज चेक। यस, अब क्लियर। चलो अब क्लियर आ रही है, आ जाओ। सभी लोग कृपया करके जल्दी से जल्दी शेयर कर दो सेशन को, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके।
अपने दोस्तों तक। वॉइस इज क्लियर है, अब आवाज सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अब सही आ रही है। एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दो, एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि जल्दी से जल्दी सारे बच्चे वापस आ सके। ठीक है, एक बार जल्दी से जल्दी सभी को शेयर कर दो ताकि सभी लोग वापस आ सके। बिल्कुल फटाफट जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। हम बात कर रहे थे व्हाट इज डायनामिक एनालिसिस। ठीक है, व्हाट इज डायनामिक एनालिसिस, इसकी बात कर रहे थे डियर। यू कैन सी दिस, हमने बताया यहां मोशन के साथ साथ किसकी बात करते हैं बेटा, फोर्स की एनालिसिस करते हैं। हम बात कर रहे हैं मोशन के साथ साथ किसकी, फोर्स की। तो हमने कहा पिस्टन के ऊपर कई सारे फोर्सेस लगेंगे, कनेक्टिंग रॉड के ऊपर कई सारे फोर्सेस लगेंगे, इन अ डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन। यू कैन सी दिस, अलग अलग डायरेक्शन में सारे फोर्सेस लगेंगे। तो इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जो ये हम डायनामिक एनालिसिस करने वाले हैं पिस्टन के ऊपर, ये हम चीजें आज आपको पढ़ाने वाले हैं डायनामिक एनालिसिस के अंदर। तो डायनामिक एनालिसिस का मतलब ये होगा कि जब पिस्टन सिलेंडर मोशन करेगा, जैसे आप देख पा रहे होंगे पिस्टन सिलेंडर हमारा मोशन कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, ये सारी चीजें आपको जो दिखाई दे रही है, ठीक है, ये चार के चार प्रोसेस हैं, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। ये चारों चारों प्रोसेस जो है आपको क्लियरली दिखाई देगी। अभी मैं आपको इसके ऊपर बात करने वाला हूँ, वेट करो इसकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा पिस्टन के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बेटा, पिस्टन के ऊपर। हमारे पास सिस्टम में सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन में चार चीजें होती हैं, एक होता है सिलेंडर, एक होता है पिस्टन, एक होता है सिलेंडर, एक होता है पिस्टन, एक होता है कनेक्टिंग रॉड, एक है क्रैंक। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब इन चारों चीज में हमारा सिलेंडर क्या है बेटा, फिक्स है। हम स्टार्ट करेंगे अपनी कहानी कहां से बेटा, पिस्टन से। चलिए, क्यों भाई पिस्टन से क्यों, पहला क्वेश्चन ये, पिस्टन से ही क्यों स्टार्ट करेंगे, क्रैंक से क्यों नहीं बेटा। रीजन बिहाइंड दिस, आप जब भी इंजन की बात करते हो आईसी इंजन की, आपका इनपुट ये होता है, आउटपुट ये होता है। तो इनपुट से बात करेंगे, इनपुट से सारे फोर्सेस लेते हुए हम आउटपुट की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम पिस्टन की तरफ बात कर रहे हैं डियर, ठीक है ना। अब आई थिंक सारी वॉइसेस क्लियर हैं, सारा आवाज क्लियर आ रहा है, ठीक है ना, आशा करता हूं सब कुछ क्लियर है। एक बार अपने दोस्तों को जाकर सभी लोग बता दीजिए, ठीक है ना, आवाज क्लियर आ गई है, क्लास में आ जाए। तो मैं अब ये कहूंगा बेटा कि जब पिस्टन की बात होती है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, पिस्टन की, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं बेटा पिस्टन की। तो पिस्टन के ऊपर क्या होता है, इधर आओ, मैं बात कर रहा हूं बेटा किसकी, पिस्टन की। मैं फोर्स की एनालिसिस कर रहा हूं किसके ऊपर बेटा, पिस्टन के ऊपर, ठीक है ना। तो आई थिंक मैं यहां लिखना चाहूंगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं कर रहा हूं फोर्स एनालिसिस ऑन पिस्टन। तो मैं पिस्टन के ऊपर सारी फोर्स की एनालिसिस करने जा रहा हूं, पिस्टन के ऊपर सारे फोर्स की एनालिसिस करने जा रहा हूं। अच्छा, जब मैंने बात की तो मुझे पता चला कि लेट अस सपोज आपका ये पिस्टन है, ठीक है, सुनिएगा, ये थोड़ी सी क्राउनिंग दी जाती है उसके ऊपर, ठीक है ना, पिस्टन के ऊपर थोड़ी क्राउनिंग दी जाती है। अब जब ये पिस्टन है हमारे पास, जब ये पिस्टन है तो दो टाइप की फोर्सेस हमारे इस पिस्टन पे लगता है, पिस्टन इज अ सिलेंड्रिकल मेंबर, दो टाइप के फोर्सेस लगती है। एक वो फोर्स जो इसको धक्का देना चाहती है आगे की तरफ, एक वो फोर्स जो इसको धक्का देना चाहती है आगे की तरफ, दैट मींस एक वो फोर्स जो इसको राइट साइड में मूव करवाना चाहती है, एक वो फोर्स लगती है जो इसको लेफ्ट साइड में मूव करवाना चाहती है, ठीक है। पिस्टन जाना किधर चाहता है सर, पिस्टन इधर आएगा तो क्रैंक रोटेट करेगा, बोलो हाँ या ना। तो क्रैंक अगर रोटेट करेगा तो हमें आउटपुट मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना, यस सर।
ठीक है ना। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, अगर पिस्टन इधर आएगा तो क्रैंक रोटेट करेगा, क्रैंक रोटेट करेगा तो हमारा काम हो जाएगा। यस सर। नाउ माय डियर फ्रेंड, अगर क्रैंक रोटेट करेगा तो हमारा आउटपुट होगा, मतलब फाइनली पिस्टन को आना किधर है सर? क्रैंक किस साइड, दैट मींस इसको राइट साइड में आना है। जी सर। तो हमें आना इधर है, तो जो फोर्स हमें इस साइड लाना चाहती है, दैट फोर्स इज नोन एज सपोर्ट फोर्स, जो हमारा सपोर्ट कर रही है, और जो हमें रोकने की कोशिश कर रही है वो हमें क्या कर रही है, वो हमारी क्या है, अपोज फोर्स। तो दो टाइप की फोर्सेस पैदा हो गई सिस्टम पे, एक हो गया सपोर्ट फोर्स, एक हो गया अपोज फोर्स, एक सपोर्टिव फोर्स, एक अपोजिंग फोर्स। चलो ठीक है, तो दो टाइप की फोर्सेस पैदा हो गई। अब ये कौन कौन से हैं, आइए बात करते हैं। तो पहले किसकी बात की जाए, सपोर्टिंग फोर्स की भी बात हम लोग करेंगे। हम पहले बात करेंगे अपोज कौन कौन कर रहा है, उसी हिसाब से हम लगाएंगे ना धक्का। पहले हम देखेंगे क्या क्या अपोज कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे किसकी, हमें कौन से फोर्स क्या कर रहे हैं बेटा, अपोज कर रहे हैं, ठीक ना। कौन से फोर्स हमें क्या कर रहे हैं डियर, अपोज कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब अपोज कर रहे हैं तो बेटा ध्यान से देखोगे अपोज कौन कौन से कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दुनिया का सबसे पहला फोर्स जो अपोज करता है, जिसका नाम है फ्रिक्शन। क्या नाम है, फ्रिक्शन। जी हां, फ्रिक्शन, जिसको हम एफ से शो करेंगे, यहां जिसको हम एफ से शो करेंगे, हमें अपोज करने वाला एक फोर्स तो ये भी होगा, दैट इज फ्रिक्शन। चलो अब अगर मैं बात करना चाहूं सेकेंड पॉइंट, और कौन है अपोज करने वाला, बेटा देखना ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करना। मैंने क्या करा, मैंने अपने हाथ में एक बड़ा सा कैलकुलेटर रख लिया, मैंने कहा चलो आगे, मैंने धक्का देना शुरू किया, लेकिन जिस हिसाब से मैं फोर्स लगा रहा हूं उस हिसाब से आगे जा नहीं रहा, ठीक ना। मेरे घर में सोफा है, मैंने सोफा पे हाथ लगाया, वो आगे नहीं जा रहा। मैंने देखा मेरे घर में आलमारी भी है, मैंने आलमारी के ऊपर एक दे दनादन धक्का मारा, लेकिन वो भी आगे नहीं जा रहा। जिस हिसाब से मैं फोर्स लगा रहा हूं उस हिसाब से आगे नहीं जा रहा यार, समझ रहे हो मेरी बात। मैंने देखा कि कोई भी चीज हमारे घर में जिसको मैं धक्का मार रहा हूं, जिस हिसाब से मैं फोर्स लगा रहा हूं उस हिसाब से नहीं जा रहा, लेकिन कोई कोई ऐसी चीज है जो चला जा रहा है, ठीक है ना। समझने की कोशिश कीजिएगा। तो दिस विल डिपेंड ऑन व्हाट, दिस विल डिपेंड ऑन मास। बॉडी का जो मास होता है ना, उस पर भी सारी चीजें डिपेंड करती हैं। जैसे पिस्टन इज अ सिलेंड्रिकल मेंबर, और आपको तो पता ही है मेटेलिक पीस होता है, और कितना भारी होता होगा, यस और नो? तो भाई अगर एक इतना भारी वाला चीज तुम इसके सिलेंडर के अंदर डाल रहे हो, अब जाहिर सी बात है उसके अंदर भार है। मास के कारण एक अपोजिंग फोर्स आ जाएगा, जैसे हमने अलमारी को धक्का दिया, सोफे को धक्का दिया, या इस कैलकुलेटर को धक्का दिया, तो जिस फोर्स से मैंने धक्का दिया उस फोर्स से आगे नहीं गया। द रीजन बिहाइंड दिस मास, और मास के कारण एक चीज पैदा होती है रेजिस्टेंस। मास के कारण पैदा हुए रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं इनर्सिया। समझ में आई, मास मूवमेंट ऑफ इनर्सिया जो आप लोग पढ़ते हो यही है, ठीक ना। एक दिन किसी दिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूवमेंट ऑफ इनर्सिया पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। कॉमन चीज है लेकिन आना चाहिए आप सभी लोगों को, बहुत ही कॉमन है। तो यहां आएगा क्या, इनर्सिया। तो एक फोर्स हमारा और होगा अपोजिंग में, उसको जोड़ लीजिए, होगा हमारा इनर्सिया फोर्स। और आई थिंक डी एल एम्बर्ट साहब ने ये सारी चीजें बोली थी आपको, न्यूटन साहब ने नहीं बोला था, न्यूटन ने तो एफ इजिकल टू एम ए जो बोला है वो भी कॉन्स्टेंट मास पे आकर बोला है, ठीक है ना। लेकिन डी एल एम्बर्ट साहब ने बोला जो इनर्सिया होता है वो भी हमारा मास और एक्सेलरेशन ही होता है। क्या होता है, इनर्सिया जो होता है वो भी हमारा मास और एक्सेलरेशन ही होता है। फिर लोगों ने पूछना शुरू कर दिया मुझसे, मैंने कहा क्या हुआ, कहते हैं इनर्सिया फोर्स की वैल्यू क्या है बताइए, तो बहुत आसान है। मैंने कहा एक इसका एक्सेलरेशन किसका, पिस्टन का, और किसका एक्सेलरेशन किसका सर, पिस्टन का और किसका। हम अच्छा, तो मास भी पिस्टन का, एक्सेलरेशन भी पिस्टन का, तो ये बताइए क्या पिस्टन का मास चेंज हो रहा है, नहीं सर। अगर पिस्टन का मास नहीं चेंज हो रहा, क्या चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन सर। तो हम क्या बात कर रहे हैं, डायनामिक्स एनालिसिस, जिसके अंदर मोशन भी आएगा और फोर्स भी आएगा। देख लो, मोशन भी आया, एक्सेलरेशन,
फोर्स तो आया ही आया, ठीक है, मास, मास इनटू एक्सेलरेशन, बेटा ध्यान से ध्यान से ध्यान से, मास, कोई बताएगा मुझे एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन का फॉर्मूला क्या होता है? जब मैंने दुनिया से पूछना चालू किया हमको बताओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, तो सभी लोग कहना शुरू हो गए, हम कहे आर ओमेगा स्क्वायर लिखिए, फिर ब्रैकेट लीजिए, बीच में कॉस थीटा लिखिए, फिर कॉस टू थीटा लिखिए, डिवाइड बाई एन लिखिए, हो गया कहानी। मैंने कहा वाह, ये हुई ना बात, जब अपन इसको ऐसे लिखेंगे तो ये होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा कॉस टू थीटा डिवाइड बाई एन। कल ही पढ़ाया है, ज्यादा दूरी नहीं, कल ही पढ़ाया है, बताओ इनर्सिया फोर्स समझ में आ गया? जल्दी से जल्दी बता दो यस और नो, ये इनर्सिया फोर्स समझ में आ गया, बोल दो हाँ या ना, यस और नो। सर ये मास के कारण पैदा हुआ है, ये मास के कारण पैदा हुआ, हमें जाने नहीं दे रहा, ये अपोज कर रहा हमें, बात समझ में आया? फ्रिक्शन, सर फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला है? फ्रिक्शन तो सब दुनिया जानती है, जब फ्रिक्शन होगा तो म्यू इंटू आर कर लेना, या म्यू इंटू एन, जिस जो भी कहते हो गया खत्म फ्रिक्शन, ठीक है ना? अगर स्टैटिक है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनामिक्स है डायनामिक फ्रिक्शन, क्या दिक्कत है? डायनामिक्स पढ़ रहे हो, डायनामिक फ्रिक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं, फ्रिक्शन तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो आता सबको। इनर्सिया क्लियर है? इनर्सिया क्लियर है? थम्स कर दो, अरे कमेंट बॉक्स में आग लगा दो, बस ये बताओ क्लियर है हाँ या ना, क्योंकि ये चीज जो है ना, ये एक ऐसी चीज है जो तुम्हें अपोज कर रही है, तुम्हें रोक रही है, समझ में आई बात? तो तुम अगर दौड़ रहे हो, तुम्हें अपना एक्सेलरेशन पता है, तो हमने मास से मल्टीप्लाई करो, यही तुम्हारा इनर्सिया फोर्स भी है, ठीक है? चलो, सपोर्ट करने वाला फोर्स बाद में देखेंगे, पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, कितने फोर्सेस अपोज कर रहे हैं हमें, कितने फोर्सेस हमें अपोज कर रहे हैं, ठीक है ना, कितने फोर्सेस हमें अपोज करने वाले आ गए हैं, ठीक है? तो ये सारे अपोज करने वाले फोर्सेस हम लोग पहले निकाल लेंगे, क्लियर भाई? चलो अब हम बात कर लेते हैं बेटा सपोर्ट करने वाले फोर्सेस के, ठीक है ना? अब हम बात कर लेते हैं बेटा, ये तो अपोज करने वाले आ ही गए, ठीक है ना? बिल्कुल, ये हुई ना बात, कमेंट बॉक्स में इसी तरीके से बवाल मचाना है, बिल्कुल। अब बात करते हैं बेटा सपोर्ट कौन कर रहा है, भाई सपोर्ट करने वालों के पास चलते हैं, अब आइए आइए यहां आते हैं, सपोर्ट कौन कर रहा है? सर अगर मैं सपोर्ट करने वाले फोर्स की बात करूं, सपोर्ट करने वाले फोर्स की बात करूं, तो हमारे जहन में पहली बात आती है किसकी, गैस फोर्स की। सपोर्ट करने वाले फोर्स की बात करूं तो हमारे जहन में सबसे पहली बात आती है किसकी, गैस फोर्स की। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ये गैस फोर्स क्या है, अरे दादा तुम नहीं समझे क्या सर, अरे यार यहां से एयर फ्यूल मिक्सचर आया, जी सर आया, यहां कुछ बवाल हुआ था हाँ या ना, हाँ सर हुआ ना, वही उसी से तो चला है पिस्टन, हाँ तो यहां क्या था, एयर का ज्यादा रेशियो, पेट्रोल का कम या डीजल का कम, मतलब फ्यूल का कम एयर ज्यादा, तो इसीलिए तो इसको गैस कहते हैं, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया, मिक्सचर है, तो ये गैस का मिक्सचर है, बिल्कुल मेरे भाई समझना, ये गैस का मिक्सचर है। अब ये गैस का मिक्सचर क्या करता है, हमारा सपोर्ट करता है, क्योंकि जब गैस का मिक्सचर बनता है तो वो धक्का देता है आगे की ओर, बोलो हाँ या ना, यस सर बिल्कुल। तो बेटा यहां गैस का मिक्सचर बना और ये आगे की ओर हमें धक्का दे रहा है, जी सर बिल्कुल दे रहा है। तो बेटा ये किधर की ओर धक्का दे रहा है, सर ये इस साइड में धक्का दे रहा है। तो बेटा ये क्या कर रहा है, सर ये हमारा सपोर्ट कर रहा है। हमका अच्छा जी सर, तो ये हमारा क्या कर रहा है, सर ये हमारा सपोर्ट कर रहा है। बट होता क्या है, मैं आपको सच्चाई बताता हूं, अब सुनिएगा ध्यान से, एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, होता क्या है, दिस इज अवर पिस्टन, ये हमारा पिस्टन है, पिस्टन के दो इंड होते हैं, एक होता है कवर इंड, एक होता है क्रैंक इंड, एक होता है कवर इंड, एक होता है क्रैंक इंड, बात समझने की कोशिश कीजिएगा, पिस्टन के दो इंड होते हैं, एक होता है कवर इंड, एक होता है क्रैंक इंड। अच्छा ये क्या होता है बेटा, ये होता है, मैं बता देता हूं, ये सिलेंडर है, जी सर सिलेंडर है,
तो ये इंड जो होता है सिलेंडर से कवर होता है, बिल्कुल सर, और ये इंड जो होता है क्रैंक की साइड होता है, बोलो हाँ या ना, इधर क्रैंक लगा होता है ना, हाँ सर, तो इसीलिए इधर वाले इंड को क्रैंक इंड, इधर वाले को कवर इंड कहते हैं। देख लो, नाम पढ़ लो एक बार, बताओ मेरे को, नाम पता होना चाहिए, कवर इंड कौन सा है, क्रैंक इंड कौन सा है। सर ये क्यों नहीं पता होगा तो क्या कर लोगे सर? अरे बेटा कल मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा, देखना न्यूमेरिकल जब तुम देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा। क्वेश्चन में डायरेक्ट बोलेगा द एरिया ऑफ द कवर इंड, द एरिया ऑफ द क्रैंक इंड, समझ ही नहीं आएगा क्या होता है क्रैंक इंड कवर इंड, तो कहां से कर लोगे, ठीक है? तो इसीलिए पता होना चाहिए कौन सा कवर इंड है कौन सा क्रैंक इंड है। इसका एक ही जुगाड़ है, जिस साइड क्रैंक दिखाई दे उधर वाले को, इधर इधर क्रैंक दिखाई देता है तो इधर वाला क्या हो गया, क्या हो गया ये सर, इधर वाला हो गया क्रैंक इंड, और जिस साइड सिलेंडर का कवर दिखाई दे उस साइड क्या हो गया, कवर इंड, ठीक है ना? तो ये कवर इंड, ये क्रैंक इंड, क्लियर? अब सर ये गैस फोर्स होगा क्या? अरे बेटा गैस के अंदर क्या होता है सर, प्रेशर, तो प्रेशर के कारण फोर्स क्या होता है, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, हाँ या ना, बिल्कुल सर, तो फोर्स क्या होगा सर, प्रेशर इंटू एरिया, है कि नहीं, फोर्स क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया, बिल्कुल सर। अब दिक्कत क्या हो गई ना, यहां एक बवाल मच गया, जो हमें सपोर्ट कर रहा है ना, जो हमें सपोर्ट कर रहा है उसमें से कुछ जनता हमारा अपोज करना चालू कर रही, पूछो कैसे, अभी बताता हूं। ये सारी गैसेस क्या हुई, जब यहां आना शुरू हुई एयर फ्यूल मिक्सचर, जब यहां आता है तो धीरे से पिस्टन और सिलेंडर के बीच में हल्का सा गैप देखते हुए यहां से भागती है, क्योंकि गैस तो गैस है, रुकने वाली है नहीं, वो कुछ ना कुछ कहीं से भी हल्का सा भी देखेगी लीक होना शुरू हो जाएगी, तो कुछ ना कुछ गैसेस यहां से पास होना शुरू हो गए और वो इधर आ गई, किस साइड आ गई, दूसरे इंड, दूसरे साइड आकर बैठ गई। सुनिएगा मेरी बात, यहां से गैस आया और कुछ गैसेस इधर आकर बैठ गई, तो एक वही गैस हमारा फायदा भी दे रहा है और वही नुकसान भी कर रहा है, पूछो क्यों, क्यों सर, मेरे भाई इधर भी गैस इधर भी गैस, बस फायदा यह है कि इधर वाला गैस जो होगा वो कंप्रेशन में आएगा, जब सक्शन के बाद कंप्रेशन होता है तो इन गैसेस का कंप्रेशन होगा, बिल्कुल सर, इसका नहीं होगा, तो जिसका कंप्रेशन होगा उसके अंदर ताकत ज्यादा होगी, ठीक है? तो इधर वाला गैस क्या होगा हमारा, सुनिए कोशिश कीजिएगा, इधर ये क्या हमारा स्ट्रॉन्ग गैस है, ये कंप्रेशन में है, इधर वाला गैस क्या है, कुछ भी नहीं है, खत्म खत्म हो चुका है, उसका कंप्रेशन हुआ ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो है, वो है, तो वो हमारा क्या कर रही है, अपोज कर रही है, वो बस खड़ा है, वो धक्का देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, बट वो है, वो हमारे जस्ट अपोजिट लग रहा है। तो यू कैन सी दिस, अगर ये पिस्टन है तो पिस्टन के एक साइड हमारा इस वाले गैस के कारण फोर्स, तो इसको हम कहते हैं P1A1, इसको हम कहते हैं P1A1, और इस साइड वाले का फोर्स जिसको हम कहते हैं P2A2, बात समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना, इसको कहते हैं P1A1, इसको कहते हैं P2A2, बोलो हाँ या ना, क्लियर है, यस और नो, इधर है P1A1, इधर है P2A2। अच्छा अब अगर मैं बात करना चाहूं, एक होता है कवर इंड, एक होता है क्रैंक इंड, अब इधर वाला सपोर्ट, इधर वाला क्या कर रहा है हमारा, अपोज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? देखिए जल्दी से जल्दी बताइए, आया इतना बताओ भाई, आया यस और नो, ठीक है ना, क्लियर? तो एक हमारा सपोर्ट कर रहा है, एक हमारा अपोज कर रहा है, तो यहां भी एक दुश्मन आ गया, बिल्कुल, यहां भी एक दुश्मन पैदा हो गया, ठीक है ना, चाहते हुए भी ये, लेकिन ये छोटा मोटा दुश्मन है, ये छोटा मोटा अपोजिंग फोर्स है, ये हमें ज्यादा नहीं दिक्कत करेगा,
मेन अपोजिंग फोर्स तो मैंने इस साइड आपको पढ़ा दिया, ठीक है ना भाई। यहां आ गए तो अब यह बात क्या हो गई, हमारा गैस फोर्स जो होगा, गैस फोर्स जो होगा वो क्या होगा, ठीक है ना। तो गैस फोर्स क्या होगा बच्चा, देखो ध्यान से, गैस फोर्स जो होता है या गैस फोर्स जो होगा वो क्या होगा सर, इधर का P1 A1 बेटा समझ गए ना, P और A क्या हुआ, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया, प्रेशर सॉरी क्या कर रहा हूं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और यहां से आप फोर्स देखें प्रेशर इनटू एरिया, समझ रहे हो ना आपने क्या किया, देखो ध्यान से। अब मैं अगर गैस फोर्स की बात करूं तो गैस फोर्स इधर वाला P1 A1, इधर वाला P2 A2 है बिल्कुल। अभी मैं A1 A2 की बात करूंगा क्या होता है, जस्ट वेट। अब आप जरा ध्यान से देखो बेटा, थोड़ा समझने की कोशिश करो, कवर इंड जो है पूरा का पूरा सॉलिड है, सॉलिड भाग, लेकिन जब क्रैंक इंड की बात कर रहे हो, क्रैंक इंड ये वाला नहीं है, ये वाला, ये वाले भाग की बात कर रहे हो जब, ठीक ना, जब आप क्रैंक इंड की बात कर रहे हो तो आप यहां देखो, यहां एक होल क्रिएटेड है पहले से ही, आप यहां देखो एक होल क्रिएटेड है पहले से ही, तो इसका मतलब है क्रैंक इंड का जो एरिया होता है वो कैसा होता है, हॉलो, ठीक है ना, और कवर इंड का जो एरिया होता है वो होता है सॉलिड, ठीक है ना। क्रैंक इंड का एरिया होता है हॉलो, हॉलो क्यों होता है सर, एरिया हॉलो जो होता है, हॉलो एरिया कम होता है, अच्छा हॉलो एरिया इसलिए होता है क्योंकि यहां कनेक्टिंग रॉड हमें जोड़ना है, यहां गजन पिन लगाना है, बोलो हाँ या ना, गजन पिन लगता है या सर नो, यहां हमें नीडल रोलर बियरिंग लगाना है, जो जो बातें बोल रहा हूं वो सारा क्वेश्चन है कि नीडल रोलर बियरिंग कहां लगता है, बिल्कुल यहां लगता है, ठीक ना, आपका गजन पिन यहां लगता है, तो इसलिए यहां क्या है हमारा होल क्रिएट किया गया है ताकि हम उसको इसके साथ जोड़ सके, कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन के साथ, बिल्कुल सर, इसलिए ये हो गया हॉलो, ये हो गया सॉलिड। अब जाहिर सी बात है इसका एरिया कम इसका एरिया ज्यादा, दोनों का डाया आउटर डाया बराबर है, इसका इनर डाया घटा लिया गया तो इसका एरिया कम हो गया इसका ज्यादा हो गया, बिल्कुल सर, तो इसलिए इसका एरिया ज्यादा इसका एरिया कम, इसका प्रेशर ज्यादा है, कॉमन सेंस, P1 हमेशा ग्रेटर देन P2, आप ना जब भी न्यूमेरिकल करिएगा तो आपको हमेशा एक कंडीशन दिया जाएगा, आपको हमेशा एक कंडीशन दिया जाएगा कि P1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन P2। जाहिर सी बात है यार, इधर वाला गैस जो है कंप्रेस है, इधर वाला नहीं है, इसीलिए तो ये P1 इसका जो है वो ज्यादा होगा प्रेशर, क्योंकि कंप्रेस्ड है ना, कंप्रेस्ड अगर कंप्रेस करते हैं तो प्रेशर भी बढ़ता है टेम्परेचर भी बढ़ता है, आपको तो पता है प्रोसेस, ठीक ना, और इधर वाला नहीं है इसलिए P1 इज ग्रेटर देन P2, इधर वाला P1 इधर वाला P2, डन। नाउ इधर P1 A1 इधर P2 A2, तो जाहिर सी बात है P1 A1 बड़ा होगा P2 A2 छोटा होगा, तो मैं आपसे पूछता हूं फाइनली इस पिस्टन के ऊपर, इस पिस्टन के ऊपर एक इधर से भी फोर्स लग रहा है इधर से भी लग रहा है, लेकिन फाइनली पिस्टन जा किधर रहा है सर, पिस्टन जाएगा इस साइड, बोलो हाँ या ना, अरे कॉमन सेंस यार, ये बड़ा है P1 A1 बड़ा है P2 A2 छोटा है तो पिस्टन फाइनली जाएगा इस साइड, बिल्कुल सर, तो किस फोर्स से जाएगा, तो व्हाट इज द गैस फोर्स सर, गैस फोर्स होगा P1 A1 माइनस P2 A2। बताओ अगर किसी को दिक्कत हो तो बताओ, मेरे इस लाइन में किसी को दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है ना, मुझे इस लाइन में किसी को दिक्कत हो तो बताओ बेटा, ये लाइन जो मैंने लिखा, अगर किसी को भी इस लाइन में दिक्कत हो तो बताओ, गैस फोर्स मैंने कैसे लिखा, अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो तुरंत बताओ, तुरंत बताओ, तुरंत, दिस इज गैस फोर्स, देखो इज दैट क्लियर, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम गाइज, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज आप बता सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल, मैं यहां हीट लॉसेस की बात नहीं करने आया हूं, मैं यहां फोर्स की बात करने आया हूं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा,
बेटा यहां फोर्स की बात करेंगे, इसलिए हीट वेट को नहीं देखेंगे। P1A1 - P2A2, इधर से P1A1, इधर से P2A2, डन। सर क्लियर है, ये गैस फोर्स है, ये सपोर्ट कर रहा है। तो सपोर्ट करने वाला फाइनल फोर्स जो है, मान लो इधर से लगा रहे थे 10, इधर से लग रहा था 2, तो फाइनल 8 फोर्स, 8। इधर से लगा रहे थे 10, इधर से लग रहा था मान लो 2, तो क्या हो गया हमारा सब 8 फोर्स, 8। 8 इज द सपोर्टिंग फोर्स, दिस इज द गैस फोर्स, इज दैट क्लियर? सर ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा, एक है हमारा अपोज करने वाला फोर्स जिसके अंदर फ्रिक्शन और इनर्सिया है, अब एक है हमारा सपोर्ट करने वाला फोर्स। अगर मैं अब आपसे पूछूं व्हाट इज द नेट फोर्स, ओहो व्हाट इज द नेट फोर्स, तो आप क्या कहोगे? नेट फोर्स होगा सपोर्ट करने वाला फोर्स माइनस अपोज करने वाला फोर्स, सपोर्ट करने वाला फोर्स माइनस अपोज करने वाला फोर्स, ठीक है ना, क्लियर? तो व्हाट इज द नेट फोर्स, सपोर्ट करने वाला फोर्स माइनस अपोज करने वाला फोर्स, ठीक है। सर सी दिस, सपोर्ट करने वाला फोर्स, व्हाट इज द नेट फोर्स, सपोर्ट करने वाला फोर्स कौन सा है? गैस फोर्स। जो भी अपोज करेगा सबका सब क्या होगा? सर माइनस होगा, माइनस इनर्सिया फोर्स माइनस फ्रिक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सपोर्ट करने वाला, ये अपोज करने वाला, क्लियर है सर? गैस फोर्स क्या हो गया? P1A1 - P2A2, बोलो हाँ या ना। माइनस इनर्सिया फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर cos थीटा cos 2θn माइनस फ्रिक्शन, डन, यस और नो? डन, बिल्कुल। लेकिन ये कब वैलिड है, ये कब वैलिड है? सर ये वैलिड तब है जब व्हेन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट इज हॉरिजॉन्टल। व्हाट? यस, ये हॉरिजॉन्टल पे वैलिड है सर, बिल्कुल बेटा, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा, अगर ये हॉरिजॉन्टल पे वैलिड है, अच्छा हाँ तभी तो, अच्छा ये हॉरिजॉन्टल ही रखा है, ओके, इसीलिए तो बोला हॉरिजॉन्टल, पिस्टन हॉरिजॉन्टल रखा है तभी तो हॉरिजॉन्टल बोला। चिंटू भागता हुआ आया, मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा मेरे को वर्टिकल का भी जानना है, सुनो मेरी बात। दुर्गेश कह रहे हैं सर एफ गैस कैसे आया, एफ गैस कैसे आया? प्रेशर और एरिया से आया। तुम यहां एयर फ्यूल का मिक्सचर डालते हो, ठीक है, यहां क्या होता है? कंप्रेशन होता है, यहां प्रेशर जनरेट होता है, तो वो प्रेशर इस एरिया पे लग रहा है। कोई प्रेशर एक एरिया पे जब लगता है तो वहां एक फोर्स का क्रिएशन करता है। प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। इधर वाला फोर्स बड़ा है, इधर वाला फोर्स कम है, क्योंकि ये सॉलिड एरिया है, ये हॉलो एरिया है। इधर वाला सॉलिड एरिया होगा, इधर वाला हॉलो होगा। क्यों इधर वाला हॉलो क्यों होगा? पिस्टन कनेक्टिंग रॉड के साथ कनेक्ट होगा, इसीलिए इधर का एरिया कम, इधर का एरिया ज्यादा। इधर का प्रेशर ज्यादा होगा, रीजन है यहां कंप्रेशन हो रहा है। सक्शन के बाद कौन सा प्रोसेस? सक्शन के बाद होता है कंप्रेशन, तो यहां कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेस्ड गैस जो होगी वो ज्यादा प्रेशर की होगी। इधर वाला कुछ हो ही नहीं रहा, इसका कोई कंप्रेशन ऑपरेशन नहीं हो रहा, तो इधर वाले का प्रेशर क्या है? लो है, तो P1 इज ग्रेटर देन P2, ठीक ना। इधर वाला प्रेशर भी ज्यादा, एरिया भी ज्यादा, तो जाहिर सी बात है P1A1 बड़ा होगा। P2A2 इसको रोकना चाहेगा, क्योंकि अनइवन अमाउंट में कुछ गैसेस लीक होके इस साइड चली गई हैं, बिल्कुल सर, तो P2A2 इसको रोकना चाहता है, तो P1A1 - P2A2 जो फाइनल फोर्स होगा वो इधर जाएगा, इसीलिए आया ये एफ ऑफ गैस। कॉमन चीज है, देख लो ध्यान से, ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ जी, तो अभी हम क्या बात कर रहे थे कि सर ये जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल के सिचुएशन पे है। मैंने कहा चिंटू ये बताओ अगर वर्टिकल हुआ तो क्या होगा? कह सर वर्टिकल होगा तो एक आध दो चीजें आ जाएंगे। मैंने कहा क्या? कह रहा है कि सर अगर वर्टिकल होगा तो दो सिचुएशन होगा। मैंने कहा क्या होगा जरा बताओ मुझे, तो कह रहा है सर अगर सिचुएशन वर्टिकल हुआ तो और क्या हो सकता है बता देते। अभी अपन इस पे आते हैं, बिल्कुल हाँ। देखो अगर सिचुएशन वर्टिकल हुआ,
अगर हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जो है वर्टिकल हो जाए, ठीक है ना, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट क्या हो जाए, वर्टिकल हो जाए, अगर वर्टिकल हो जाए तो वर्टिकल कैसा हो सकता है सर? देखो दो सिचुएशन है वर्टिकल होने का, या तो हमारा पिस्टन ऊपर होगा या तो नीचे होगा। सुनिएगा ध्यान से, ये हमारा पिस्टन, ये हमारा कनेक्टिंग रॉड, ये हमारा क्रैंक, ठीक है, ये हमारा पिस्टन, ये हमारा कनेक्टिंग रॉड, ये हमारा क्रैंक, ठीक है। देखो ध्यान से, दिस इज आवर सिलेंडर। दो ही सिचुएशन हो सकता है, ठीक है ना, प्रैक्टिकल अप्रोच देखना है तो दो सिचुएशन हो सकता है, ध्यान से देखना, पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच समझ में आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा यहां से। सुनना मेरी बात, आज दिल यहां से ना खुश हुआ तो कह देना इस पेज के बाद, ठीक है ना। अगर वर्टिकल हुआ तो सर, बेटा अगर वर्टिकल हुआ तो नेट फोर्स तो यही रहेगा, बट इसमें कुछ चीजें जुड़ जाएंगे, कुछ घट जाएंगे, तो जो भी नेट फोर्स है मैं यही नेट फोर्स लेकर जा रहा हूं, ठीक है ना। यहां क्या होगा, हमारा पिस्टन फाइनली जाना किस साइड चाहिए सर? हमारा पिस्टन फाइनली जाना चाहिए क्रैंक की साइड, तो हमें आना किधर है फाइनली, हमारा नेट फोर्स फाइनल किधर की तरफ आया, किधर की तरफ आया, क्रैंक की तरफ। अब तुम पूछोगे क्यों सर? बेटा क्रैंक रोटेट कराना है। जी सर, इसीलिए तो आया उस साइड, क्रैंक इधर है, हमें जाना किस साइड है, क्रैंक की तरफ। फाइनली जो हमारा नेट फोर्स है वो किधर लगेगा, इस साइड, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स ऊपर लगेगा, इस वाले केस में नेट फोर्स कहां लगेगा, नीचे की ओर, है कि नहीं। हमें फाइनली जाना किधर है, क्रैंक की तरफ, बिल्कुल सर। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए बच्चा लोग, ये पिस्टन है, जी सर, ये पिस्टन का कुछ मास है, जी सर है, बिल्कुल है, ये पिस्टन है, जी सर है, इसका कुछ मास है, जी सर है, तो मास अगर है तो m इंटू जी इसका एक फोर्स होगा, बिल्कुल होगा, तो बेटा वो क्या होगा सर, इसमें m इंटू जी किधर की ओर लगेगा सर, डाउनवर्ड लगेगा, इधर की ओर लगेगा सर, डाउनवर्ड लगेगा mg, किधर की ओर लगेगा, किधर की ओर लगेगा सर, mg डाउनवर्ड लगेगा, mg डाउनवर्ड लगेगा, बात समझ में आई, यस और नो, mg डाउनवर्ड बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल सर। अब तुम मेरे को बताओ ये वाला वर्टिकल सिचुएशन अच्छा कि ये वाला, सिलेंडर को ऊपर रखें, पिस्टन को ऊपर रखें वो अच्छा कि पिस्टन को नीचे रखें वो अच्छा? सर आइए ना देख लेते हैं। तो बेटा यहां से जो एफ निकला, इस एफ ने हमें बताया कि एफ नेट एमजी तुम्हारी मदद करने आएगा, ठीक है ना, और यहां से जो एफ निकला फाइनल फोर्स, उसने हमें बताया, अरे उसने हमें बताया कि एफ नेट एमजी तुम्हें भी रोकेगा, एफ नेट के जस्ट अपोजिट एमजी है, तो माइनस, एफ नेट के पॉजिटिव एमजी है प्लस। अब बताओ हम क्या चाहते हैं, हम तो चाहते हैं ना नेट फोर्स की डायरेक्शन में जाना, बिल्कुल, अगर हमारी कोई मदद कर दे तो हमारे लिए क्या है, भगवान है, अगर कोई मदद ना करे तो हमारे लिए क्या है, दुश्मन है हमारा। तो ये बताओ
कि कौन सा सही है हमारे लिए, ये वाला या ये वाला। मैं आपको लिख के दे देता हूं, दिस इज द केस, ऐसे कर देते हैं, दिस इज द केस वन, दिस इज द केस वन एंड दिस इज द केस टू। कौन सा तुम्हारे लिए वरदान है ये बताओ मुझे, कौन सा वरदान है तुम्हारे लिए, केस वन या केस टू, बताओ मुझे कौन सा तुम्हारे लिए वरदान है, केस वन या केस टू। वन, वेरी गुड। फर्स्ट जो है हमारे लिए क्या है, वरदान है। पूछो क्यों, दिस इज माई बेस्ट कंडीशन। व्हाई, बिकॉज पिस्टन का जो मास है ना, हम उससे यूज ले रहे हैं, उस मास का यूज कर रहे हैं, उस मास के यूज करने से हमारा मोशन हो रहा है बेटा। जो भी हमारा मोशन हो रहा है उसमें हम पिस्टन का जो भार था, सुनो मेरी बात, अभी हम पिस्टन के भार के कारण इनर्सिया पढ़ के आए हैं, पिस्टन के मास के कारण एक अपोज फोर्स इनर्सिया पढ़ के आए हैं, लेकिन वही पिस्टन का भार हमारा हेल्प करना शुरू कर देगा अगर वो वर्टिकल सिचुएशन में आ जाए। वही पिस्टन हमारा हेल्प करना शुरू कर देगा अगर हम वर्टिकल सिचुएशन में आ जाए और कुछ ऐसे हो जाए। बिल्कुल सत्य बात है सर। तो दिस इज एक्सीलेंट कंडीशन। एक्सीलेंट कंडीशन डियर, ठीक है ना, ये हमारा एक्सीलेंट होगा एंड दिस इज वर्स्ट सिचुएशन। बात समझ में आया, क्यों, क्योंकि वही पिस्टन का भार आज हमारा क्या बन गया, दुश्मन बन गया। बोलो हाँ या ना। अगर कोई भारी भरकम आदमी, कोई मोटा आदमी अगर ऊपर की तरफ उछलना चाहे तो नहीं उछल सकता, तो दिक्कत होगी उसको, जैसे ये क्यों, क्योंकि एम जी नीचे लगेगा। लेकिन वही मोटा आदमी अगर ऊपर से नीचे कूदना चाहे तो जी उसकी दे दनादन हेल्प करेगी, ठीक है ना, वो खुशी खुशी नीचे आएगा। वही पतला आदमी आएगा लेकिन हो सकता है पैरासूट की तरह उड़ जाए, ठीक है ना। बस बात समझने की कोशिश करना, केस वन इज बेस्ट। और यही रीजन है कि हम आज तक जितने भी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट अपनी कार में, अपनी बाइक में, अपने सिलेंडर में, अपने आईसी इंजन में, जहां भी पढ़े हम ऐसा ही पढ़े, बिल्कुल। और यहां जो है आप देख पा रहे होंगे एमजी कहां है, ऊपर है। यहां एफनेट भी इस डायरेक्शन में लग रहा है, एमजी भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, एमजी भी इसी डायरेक्शन में। देखो यही रीजन है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में होती हैं। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्या ये केस पढ़ के अच्छा लगा, फील हुआ, सक्शन हो, कंप्रेशन हो, एक्सपेंशन हो, एग्जॉस्ट हो, या 6 सिलेंडर इंजन हो, या 8 सिलेंडर इंजन हो, चाहे 10 सिलेंडर इंजन हो, आपने जब भी पढ़ा होगा आपको याद होगा पिस्टन ऊपर ही रहता है। आपने कभी भी सिलेंडर ब्लॉक देखा हो वो हमेशा ऊपर होता है, क्यों, क्योंकि सिलेंडर हमेशा ऊपर की ओर होगा तो पिस्टन भी ऊपर ही है, ठीक है ना। बताओ आपको ये बात जानकर कैसा लगा, हाउ वाज यू फील, कि एमनेट का हेल्प कर रहा है कौन, एमजी। इसी यही रीजन है, ठीक है ना। आज तक आपने ये फिगर देखा, आपने आज तक यही पढ़ा, आपने यही फिगर बनाया, आईसी इंजन में यही हर जगह बनाते हो, उसका रीजन है कि एमजी आपका हेल्प करता है इसको नीचे ले जाने में, ठीक है ना। आप कहीं भी ऐसा नहीं बनाते हो, कहीं भी नीचे सिलेंडर ब्लॉक नहीं देते हो, रीजन है उसका, बिल्कुल। इसका यही रीजन है कि एमजी आपको रोकता है। इन द रियल लाइफ इंजन आप कहीं भी देखे होगे सिलेंडर ब्लॉक, 8 सिलेंडर, 10 सिलेंडर ब्लॉक कहीं भी देखोगे, ठीक ना, सिलेंडर ब्लॉक हमेशा क्या होता है, ऊपर होता है, ठीक ना, क्यों, एमजी उसकी हेल्प करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, एक बार बता दो हाँ या ना, यस और नो, क्लियर, क्लियर। क्लियर 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 क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बीके पासवान कह रहे हैं, व्हाइल वी कंपेयर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल व्हिच वन इज बेस्ट। ओके, वर्टिकल जो होता है ये होता है आईसी इंजन में यूज। मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो वर्टिकल जो होता है
ये होता है हमारा आईसी इंजन में यूज। और जो हॉरिजॉन्टल होता है ये हमारा यूज होता है कहां, कंप्रेसर में। कहां यूज होता है, कंप्रेसर में। क्लियर है, ये हमारा कहां यूज होता है, कंप्रेसर में। आपको याद होगा जब आपने सिंगल स्लाइडर क्रैंकचेन का पहला इन्वर्जन पढ़ा था उसके अंदर मैंने जब सिलेंडर को फिक्स किया था आपको याद होगा मैंने दो मशीनें बताई थी, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और रेसिप्रोकेटिंग इंजन। ठीक है ना, जब सिलेंडर फिक्स किया था इसका पहला इन्वर्जन जब किया था सिंगल स्लाइडर का, आपको मैं वो दिन याद दिला दे रहा हूं, अगर नहीं याद है तो वीडियो खोल के देखना कि सिलेंडर जब फिक्स है तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन जो हो रहा है, सिलेंडर जब फिक्स है तो इन्वर्जन जो हो रहा है वो दो इन्वर्जन है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। हॉरिजॉन्टल होगा तो कंप्रेसर, ठीक है ना, और वर्टिकल होगा तो हमारे लिए आईसी इंजन में बहुत हेल्पफुल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एंड आईसी दोनों का अलग अलग जगह सिचुएशन है, अलग अलग केस है दोनों का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे लिए वर्टिकल बेस्ट होता है, हमारे लिए आईसी इंजन के लिए बेस्ट इज दिस। क्लियर, तो भैया वर्टिकल का भी सिचुएशन देख लिए, हॉरिजॉन्टल का भी सिचुएशन देख लिए, बिल्कुल देख लिए, अरे कहानी खत्म नहीं हुआ है भाई अभी, ठीक है ना। अभी आपने इतनी सारी चीजें देख ली, बताओ समझ में आया हाँ या ना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सारे फोर्सेस के बारे में, सारे फोर्सेस की एनालिसिस करने जा रहा हूं, ठीक है ना, सारी फोर्सेस की एनालिसिस करने जा रहा हूं, देखिएगा। ठीक है, ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर क्या है भाई, सर इसके अंदर ये पिस्टन है, क्या हो गया, इसके अंदर ये क्या है हमारा पिस्टन है, ठीक है। अब यहां से हमारा क्या लगा है डियर, कनेक्टिंग रॉड है, और ये हमारा क्या है, क्रैंक है, और ये क्या है, ऐसा ही डॉटेड लाइन है, हर चीज का मतलब थोड़ी ना होगा, चलो यहां जो है आपको मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। ओहो ये ऐसे, ठीक है। अब देखो बेटा यहां मैं आपको कुछ फोर्सेस दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे पूछूं फाइनल नेट फोर्स किधर गया तो आप क्या कहोगे, इस डायरेक्शन में गया नेट फोर्स, फाइनल इस डायरेक्शन में गया, बोलो हाँ या ना। जी सर। अब अगर मैं इसके ऊपर सारे फोर्सेस दिखाना चाहूं और वो फोर्स मैं दिखाऊंगा आप पिंक कलर से दिखाते हैं, यहां दो फोर्स लगता है, एक होता है नॉर्मल फोर्स, एक होता है कनेक्टिंग रॉड के अंदर फोर्स, ये हो गया एफ पी, ए हो गया एफ एन, बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। बेटा एक चीज बताओ इनके बीच का एंगल कितना है, तो तुम भी चिल्ला चिल्ला कर कहोगे, कैसे चिल्ला चिल्ला कर कहोगे कि एंगल बीटा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है भाई। ये एफ सी इधर निकला, एफ एन इधर निकला, लोगों ने पूछना शुरू कर दिया एफ सी क्या है, एफ एन क्या है,
मैंने कहा रुक जाओ एक सेकंड बता देता हूं, तो रुका नहीं गया किसी से, बता ही देते हैं। चलो पहले बता ही देते हैं, टेंशन ही फ्री करो। एफसी क्या है और एफएन क्या है, अगला पेज हाजिर हो। देखो अगर मैं इससे देखो ध्यान से, तो एफ नेट पे देखो, एफसी कॉस बीटा इज एफ नेट, यस और नो? एफसी कॉस बीटा, बेटा एफ नेट को आज के बाद मैं एफ बोल लूंगा, बार बार नेट नहीं लिखूंगा, ठीक है ना? एफ नेट को आज के बाद मैं एफ बोलूंगा, बार बार नेट लिखना छोड़ो मेरा। एफसी क्या आएगा डीएन सर? एफसी आएगा एफ अपॉन कॉस बीटा। दिल खुश हो गया ये जानकर जब ये देखा कि अच्छा एफसी ये होगा, ठीक है भाई। फिर मैंने कहा एफ एन, कह रहा एफसी का साइन बीटा, हमने कहा अच्छा जी एफसी का साइन बीटा क्या बन गया एफ एन, बोलो हाँ या ना, ठीक है। एफसी क्या है सर? एफ अपॉन कॉस बीटा। तो व्हाट इज एफ एन? साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा क्या हो गया? टेन बीटा। तो एफ टेन बीटा, बोलो हाँ या ना। ये दो चीजें समझ में आ गई, ये दो चीजें समझ में आ गई, बोलो क्लियर है? क्लियर है बताओ हाँ या ना। एफ सी एफ एन ये दोनों चीजें क्लियर हैं, बोलो हाँ या ना, ठीक है। आपके भी मन में आ रहा होगा ये एफ सी क्या है, एफ एन क्या है, है ना? आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा, जाहिर सी बात है। एफ सी क्या है, एफ एन क्या है, यस और नो? एफ सी क्या है? फोर्स अलोंग द कनेक्टिंग रॉड। तो एफ सी क्या है डियर? आओ नाम लिख देते हैं रेड से, फोर्स अलोंग कनेक्टिंग रॉड, ओके। एफ एन क्या है सर? एफ एन होता है हमेशा थ्रस्ट, थ्रस्ट ऑन सिलेंडर वॉल, या आप कह सकते हो नॉर्मल रिएक्शन। इसी को आप दूसरे भाषा में नॉर्मल, अरे 11 बज गया क्या, 11 बज गया क्या टाइम? दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, ये फोर्स अकाउंट कनेक्टिंग और थ्रस्ट ऑन सिलेंडर या नॉर्मल रिएक्शन कुछ भी बोल सकते हो, क्लियर है? ये दो फोर्सेस क्लियर है, एक बार बोलो, ये दो फोर्सेस क्लियर हो गई हाँ या ना? बिल्कुल। एफसी कुछ सीधे सीधे जा रहा है, कौन सर बेटा? ये एफसी एफसी कैसे जा रहा? अरे एफसी कुछ ऐसे जा रहा है, बोलो हाँ या ना? जी सर। बेटा एक चीज बताओ, अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचू कोई दिक्कत? अरे काहे की दिक्कत बेटा, अगर ये बीटा है, ये एफ सी है, ये भी बीटा होगा, और ये क्या होगा? ये एफ सी फोर्स है ना? क्लियर है ना? सर ये क्रैंक रोटेट कर रहा है। अच्छा क्रैंक रोटेट कर रहा है सर, क्रैंक रोटेट कर रहा है तो क्या करें फिर? अगर क्रैंक रोटेट कर रहा है फिर ग्रीन कलर लेते हैं,
ठीक है भाई, देखो देखो, क्रैंक रोटेट कर रहा है तो कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन ले रहा होगा जी सर। बेटा ये सर्कुलर मोशन जो क्रैंक का पाथ है, सुनना मेरी बात, वो एक टेंजेंट दे रहा होगा, बोलो हाँ या ना जी सर। उसको ले लिया जाए ब्लू से, टेंजेंट दे रहा होगा एक पाथ, ब्लू से लेना ठीक है, बोलो हाँ या ना। क्लियर है जी सर। बेटा एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे थे, कहां गया वो? सर ये रहा। अच्छा जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं कहूं बेटा ये थीटा है हॉरिजॉन्टल लाइन का, इस साइड ये क्या है सर? ये भी थीटा है। अच्छा एक सेकंड, पहले इसका नामकरण तो किए नहीं हम लोग। बेटा ये कौन सा फोर्स है? अरे ये टेंजेंशियल फोर्स है, और क्या एफ टी है ना, टेंजेंट पे लग रहा है, सर्किल के टेंजेंट से लग रहा है, टेंजेंशियल फोर्स। अच्छा एक भाई बंधु दौड़ते हुआ है, हमने कहा क्या हुआ? कह रहे हैं सुने हैं, किस कलर से ले ले, इसी से ले लेते हैं। सुने हैं रेडियस के अंदर अंदर डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगा है, हमने कहा कौन सा फोर्स? तो रेडियस के अंदर अंदर डायरेक्शन में फोर्स लगा है, इसे द रेडियल फोर्स। कौन सा फोर्स? रेडियल फोर्स, बिल्कुल ये रेडियल फोर्स है, ये टेंजेंशियल फोर्स है। अरे वाह, और ये एंगल क्या है सर? ये एंगल थीटा और एफ सी आगे क्या एंगल बीटा। अरे गजब, तो टोटल एंगल क्या हो गया? थीटा प्लस बीटा, बिल्कुल सर थीटा। एक सेकेंड, कलर चेंज। टोटल एंगल क्या हो गया? थीटा प्लस बीटा। अब अगर मैं आपसे कहूं, थोड़ा ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं एफ सी का कॉस कंपोनेंट थीटा प्लस बीटा का एफ आर है और साइन कंपोनेंट एफ टी है, तो आप मना नहीं करोगे मुझे, ठीक है ना? एफ सी का कॉस कंपोनेंट एफ आर है, तो हम कहेंगे एफ सी कॉस थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू एफ आर। पन्ना बदलो, एफ सी कॉस थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू एफ आर। अच्छा एफ सी क्या होता है सर? एफ अपॉन कॉस बीटा, एफ अपॉन कॉस बीटा कॉस थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू एफ आर। एफ सी का साइन कंपोनेंट थीटा प्लस बीटा का साइन कंपोनेंट एफ टी है। एफ सी साइन थीटा प्लस बीटा एफ टी है। एफ सी क्या होता है सर? एफ अपॉन कॉस बीटा साइन थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू एफ टी। अब क्लियर है ना ये? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ ये दोनों क्लियर है ना कंपोनेंट, एफ आर और एफ टी क्लियर? कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताओ भाई, ठीक है? चलो अब बारी आती है सर, एफ आर क्या है और एफ टी क्या है? ये एफ आर क्या है और ये एफ टी क्या है? एफ आर देखो, एफ आर कहां लगा है सर? रेडियल डायरेक्शन में लगा है, क्रैंक के ऊपर, ठीक है ना? तो आप ये कह सकते हो यहां होता है क्रैंक शाफ्ट, तो थ्रस्ट है ये क्रैंक शाफ्ट बियरिंग के ऊपर, बोलो हाँ या ना। जैसे ये पिस्टन के ऊपर थ्रस्ट था एफ एन, ऐसे ये एफ आर जो है क्रैंक शाफ्ट बियरिंग के ऊपर थ्रस्ट है, तो हम इसको लिखेंगे thrust on
क्रैंक शाफ्ट बियरिंग, जिसको हम कहेंगे एफ आर। क्लियर? ये एफ टी क्या है सर? एफ टी तो वो फोर्स है जिससे क्रैंक रोटेट हो रहा है, बोलो हाँ या ना। ये एफ टी और ये क्रैंक रेडियस, ये एक टॉर्क जनरेट कर रहे हैं, बोलो हाँ या ना। अभी बताऊंगा एफ टी क्या है बेटा, क्रैंक को रोटेट कराने वाला फोर्स, जिसको आप दूसरे भाषा में टेंजेंशियल फोर्स भी कह सकते हो या आप क्रैंक एफर्ट भी कह सकते हो, ठीक है ना। टेंजेंशियल फोर्स ऑन क्रैंक, या दूसरे भाषा में इसको क्रैंक एफर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत फेमस है क्रैंक एफर्ट के नाम से। अगर मैं आपसे पूछूं क्रैंक को रोटेट कराने वाला टॉर्क कौन सा है, तो आप क्या जवाब दोगे? सर एफ टी इंटू आर। टेंजेंशियल फोर्स एक रेडियस के ऊपर जब लगता है तो एक टॉर्क का जनरेशन देता है, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो एक पेज और लेते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं टॉर्क, टॉर्क क्या होगा, तो आप कहोगे टॉर्क जो होगा वो होगा टेंजेंशियल फोर्स इनटू क्रैंक रेडियस। सुनते हुए जाना मेरी इस बात को, दिमाग में डाल के जाना, एफ टी इंटू आर यही होता है टॉर्क, और यही टॉर्क है जिसकी वजह से हमारा पूरा मोशन होता है, ठीक है ना। ये हमारा एफ साइन थीटा प्लस बीटा अपॉन कॉस बीटा इंटू आर, ठीक ना। यही वो टॉर्क है, सुनने की कोशिश करना सभी लोग, यही वो टॉर्क है जिसकी वजह से हमारा क्रैंक क्या करता है, रोटेट करता है। और इस टॉर्क को हम लोग दूसरे भाषा में क्या कहते हैं, अपनी कान खोल लो, क्योंकि मैं जो बोलने जा रहा हूं वो बहुत ही सटीक चीज है, सुनिएगा ध्यान से। इसी टॉर्क को हम लोग दूसरे भाषा में कहते हैं दिस इज द टर्निंग। कहीं सुना है? टर्निंग मोमेंट ऑन क्रैंक शाफ्ट। जी हां, अब हम बात कर रहे हैं टर्निंग मोमेंट ऑन क्रैंक शाफ्ट की। जी हां, हम दुनिया में आ चुके हैं। किसकी दुनिया में? सर इस गेट से, मतलब आप जब ये चीज समझ जाते हो तो आप दुनिया में एंट्री कर जाते हो। किसके? आप दुनिया में कर जाते हो एंट्री फ्लाईव्हील के। जी हां, अब यही टर्निंग मोमेंट, जी हां यही टर्निंग मोमेंट, यही टॉर्क, यही टर्निंग मोमेंट अब आपके फ्लाईव्हील को घुमाएगा। और अब हम जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा हमारा फ्लाईव्हील। बात समझ में आया? तो हमने पहले आपको क्या पढ़ाया, पूरा संयंत्र समझा रहा हूं, पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, आपको पढ़ाने का तरीका क्या था, पूरी चीजें आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैंने आपको काइनामेटिक एनालिसिस कराया, ठीक है ना। काइनामेटिक एनालिसिस जब मैंने कराया तो आज मैं आपको डायनामिक्स करा रहा था, जिसके अंदर मैंने काइनामेटिक का हेल्प लिया, काइनामेटिक का हेल्प लिया और इनर्सिया फोर्स वगैरह सब कुछ देखा, पिस्टन को मोशन कराया, सब कुछ देखा, ठीक है ना। हम अभी यहां से धीरे 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 किस पे आ गए, क्रैंक पे आ गए। अब धीरे धीरे हमने सारे फोर्सेस देखे हैं, सारे फोर्सेस देखते देखते हम किस पे आ गए, क्रैंक पे आ गए। अब यहां जो हम फोर्सेस देखते देखते हमने सारा फोर्स निकाला, और सबसे लास्ट का जो फोर्स निकाला वो था हमारा वो फोर्स जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। देखो मैंने यहां से शुरू किया फोर्स निकालना और हम धीरे धीरे कहां पहुंच गए, एफ टी पे। हमारा एक्चुअल निशाना क्या था, एफ टी। बिल्कुल यही वो एफ टी है जो ये रेडियस, क्रैंक रेडियस आर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या देगा, टर्निंग मोमेंट ऑन क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट को रोटेट करने वाला वो टर्निंग मोमेंट, मतलब अब क्या होगा हमारे मशीन में, अब हमारे मशीन में क्रैंक रोटेट करेगा। जब क्रैंक रोटेट करेगा तो क्रैंक शाफ्ट रोटेट करेगा, और आपको पता होना चाहिए क्रैंक शाफ्ट पे ही
जस्ट आगे लगा होता है फ्लाई व्हील, जो आपको एनर्जी के थ्रू सिस्टम को बैलेंस करने की कोशिश करता है। जी हां, यही वो टर्निंग मोमेंट है जो एफटी के कारण पैदा हुआ है, यही वो टर्निंग मोमेंट है जो आपका यूज होगा कहां, फ्लाई व्हील में। अपना अगला चैप्टर क्या होगा, फ्लाई व्हील। बताओ हायन, इतनी बात मजा आया, समझ के मजा आया कि हम लोग काइनामेटिक एनालिसिस पहले क्यों पढ़े, डायनामिक एनालिसिस पहले क्यों पढ़े, क्या रीजन था, और उसके जस्ट बाद फ्लाई व्हील क्यों पढ़े, व्हाट इज द रीजन। रीजन समझ के मजा आया, एक बार हाँ या ना बता दो, रीजन समझ के मजा आया, बोलो हाँ या ना, यस और नो। दिस इज द टर्निंग मोमेंट, दिस इज द टर्निंग मोमेंट, एंड यही है वो जिसके कारण आज आप डायनामिक और काइनेमेटिक्स एनालिसिस पढ़े हो। समझ के मजा आया, एक बार बताओगे, ठीक है, क्लियर है। चलो, सो गाइस, अगर मजा आया, अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, अगर डिसिप्लिन में पढ़ाई नहीं चल रही है, ठीक ना, लाइफ में अगर सेटल नहीं हो, लाइफ में अगर चाहते हो कुछ अच्छा करना, अगर हमारे साथ प्लस पे जुड़ना चाहते हो, क्योंकि प्लस पे हमारा चल रहा है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारा चल रहा है डियर, ध्यान रखिएगा, जिसके अंदर आप 12 महीने 18 महीने या 24 महीने का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बस कोड लगाना है क्या, आलोक लाइव। जब भी आपको लेने का हो, आप एक बार लेने के बाद मुझे टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहां मेरा डीपी में मेरा फोन नंबर है, आप मेरे को कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम चैनल का भी नाम यही कोड का नाम है, आलोक लाइव, ठीक है, ध्यान से। नाउ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे आप हमारे साथ यहाँ जुड़ सकते हो डियर, आइकॉनिक में भी 12 महीने और 24 महीने के साथ जुड़ सकते हो। सर फीस ज्यादा है बेटा, जब आप यहाँ आते हो कोड लगाते हो तो आपको क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, और आपको मैं बता दूं ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है ना, ईएमआई बाय पार्ट भी अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है अगर आप पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है ना। अगर आप सही से पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो भैया दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, आलोक लाइव के नाम से है। और हाँ, जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैं महीने दो महीने बाद रिकॉर्डेड देख लूंगा, जैसे आजकल कुछ बच्चे देख रहे हैं मेरे बहुत सारे पुराने पुराने वीडियोस और वहां से मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बेटा मैं बहुत कम ही रिप्लाई दे पाऊंगा ऐसे क्वेश्चंस का, क्योंकि जब आप लाइव नहीं आए मेरे को हो नहीं सकता, मैं अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको रिप्लाई दे पाऊं, ठीक है ना। कई सारे बच्चे पूछते रहते हैं, सर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गया, अनकंस्ट्रेंट चेन का एग्जांपल दे दीजिए, तो आज तुम्हें नींद खुली है तो हमारी कोई गलती नहीं है। अगर आपकी नींद आज खुल रही है फर्स्ट लेक्चर से तो मुझे माफ करिएगा, आप पूरी लेक्चर को ध्यान से सुनिए, गलती आपकी है, लाइव आइए क्लास में तब मजा आएगा, ठीक है, ध्यान से। तो लाइव लेना शुरू करिए क्लासेस को, ध्यान से मैं फिर से बता रहा हूँ, लाइव लेना शुरू करिए, ए टू जेड लाइव लीजिए। और ये मत सोचिए कि हम एक ही दिन में 10 लेक्चर रिकॉर्डेड देखकर निपटा लेंगे, तो रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड की तरह ही होता है, ठीक है ना। जो चीज जितनी जल्दीबाजी में होता है, ठीक है ना, वो उतना ही खराब होता है, हमेशा याद रखिएगा। हमेशा खरगोश बनने की जरूरत नहीं है, कछुआ बनो, हमेशा याद रखो, कछुए की चाल चलो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ध्यान रखिएगा। आपको मैं सारी चीजें कवर अप करा रहा हूँ, धीरे धीरे सारी चीजें आपके माइंड में बैठती जा रही हैं, लेकिन अगर आप सोचोगे कि अक्टूबर में सोकर उठूंगा और अक्टूबर से लेकर जनवरी तक पढ़ डालूंगा, तो ये गलत है, ये आप अपने साथ भी गलत कर रहे हो, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा। और गाइज, अगर आप सोम की बात कर रहे हो डियर, मैं बात बता दूं, सोम जो है कल रात में आपको पढ़ाया जाएगा, उसके बाद में एक नया सीरीज लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, HPCL HAL एग्जामिनेशन के लिए मैं टोम के कुछ क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा कब से स्टार्ट होगा वो, ठीक है। और रैंकअप टेस्ट सीरीज आपका चल रहा है डियर, आज नहीं होगा, आज स्पेशल क्लास नहीं होगा, कल से आपके स्पेशल क्लासेस रेगुलर हो जाएंगे डियर, ठीक ना, आज भर के लिए माफ करिए स्पेशल क्लासेस, कल से आपकी रेगुलर हो गई, ठीक ना। हैशटैग तैयारी जीत की, अगर आप चाहते हो जीतना, अगर आप चाहते हो सेल्फ स्टडी करके भी हमारे साथ रहना, तो बेटा सेल्फ स्टडी करके भी सिलेक्शन मिलता है, ये मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूं। आपको जो बोलूं वो करो, दैट्स इट, जैसे बोलूं वैसे पढ़ो, दैट्स इट, ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस सेशन, कैसा लगा,
ठीक है ना, एक बार जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग। सो टिल देन एंजॉय गाइस, बाय बाय, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत। हमेशा खुश रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो, लोगों का हेल्प करो और समझाओ जो घर से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है ना, उनको थोड़ा समझाओ कि भाई थोड़ा संभल के जाना, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप ही युवा हो, आप ही पूरा इंडिया में, पूरे इंडिया से लोग आज सुन रहे होंगे मुझे, ठीक है ना। तो मैं सभी को बस यही कहूंगा, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप भी कर सकते हो, आप ही कर सकते हो। आप अपने अपने स्टेट में अपने अपने लोगों को, अपने आसपास के लोगों को जागरूक कर सकते हो, उसको रोक सकते हो आगे जो भी वो गलत काम कर रहे हो, जैसा भी हो, ठीक है ना। क्योंकि देखो मैं एक चीज और जानता हूं, ये कोरोना का सेकेंड फेस आया, सेकेंड स्टेज आया, रीजन यही था कि फर्स्ट स्टेज के बाद हम लोगों ने सोचा कुछ था ही नहीं, और उस बीच में कुछ ऐसे लोग रह गए जिनको था, और वो भी कुछ ऐसे घूमने लग गए कि उनको है ही नहीं, उनको फील ही नहीं हो रहा, ठीक है ना। और वहीं से स्टार्ट हो गया, हमने पूरी कमांड नहीं ली और हम फ्री हो गए, ठीक ना। कई लोगों ने तो मास्क पहनना भी छोड़ दिया था, बट मैं आपसे यही कहूंगा, गुजारिश करूंगा कि सेकेंड वेव में दो मास्क लगाने आ चुका है, अगर अब नहीं रोके तो समझ लेना ऑक्सीजन की इतनी कमी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो कोशिश करो, हमेशा आगे बढ़ते रहो, लोगों को हमेशा समझाओ, क्योंकि तुम एक पढ़े लिखे बच्चे हो, ठीक है ना। सो टिल देन एंजॉय, बाय बाय, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।